खोल के आप सुन लो डीएन, जब तक वो डी यहाँ है ना, तब तक आप उससे वो बना के रखोगे। नजदीकियाँ, दूरियाँ। हाँ, मैं वही कहने वाला था, दूरियाँ। मैं आपकी चरणों की दासी बनकर रहना चाहती हूँ स्वामी। डायलॉग कैसे है? नाइस, वेरी नाइस। मैंने लिखा है। टी? यस शेरू बेबी। मैं क्या कर रहा हूँ, हम बाहर जाके ड्राइंग रूम में बैठ के रिहर्सल करते ना, चलो ना। नहीं, मुझे तुम्हारे रूम में रिहर्सल करना है शेरू बेबी। यहाँ बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, यू नो। अच्छा हाँ, मैं एक मिनट में आया। देखो देखो, गौर से देखो, सारे आदमी ना एक जैसे होते हैं। सही कहा था ना मैंने? भाभी चलो, आप चलो। तनु देख, जो कुछ भी करना सोच समझ के करना, आफ्टर ऑल ये है तो हमारी मेहमान ही ना। भाभी मैं संभाल लूंगी, एक मिनट। दीपिका जी प्लीज कॉल मी डी। गेरू बेबी, इन्हें बताओ ना तुम मुझे कैसे बुलाते हो, बताओ ना। शेरू बेबी आप बताओ ना। तुम दोनों म्यूट पे क्यों चले गए? हमारे रिमोट कंट्रोल जो आ गए हैं। एनीवेज मैं ये कह रही थी, आपकी ये जो रिहर्सल है ना, वो आप बाहर लिविंग रूम में भी कर सकती है। वो क्या है कि वहां पर भी ना आपको काफी पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। नो, मैं शेरू के रूम में ही रिहर्सल करूंगी, और वो भी शेरू के सामने। आफ्टर ऑल इस फिल्म में मैं शेरू जैसा कॉपी तो प्ले कर रही हूँ। हाँ, सो आई एम गेटिंग बैक टू माय रिहर्सल। मैं आपकी चरणों की दासी बनकर रहना चाहती हूँ स्वामी। भाभी ये रिहर्सल कर रहे हैं या फिर अपने फ्यूचर प्लान्स शौर्य भैया को बता रहे हैं? चुप कर। शेरू बेबी अपनी शर्ट उतारो ना। क्या? भाभी 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 दनु जी, मनु जाओ भाभी के लिए ग्लास पानी ले आ, जाओ जल्दी। जग लेके आना मनु, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। नहीं चाहिए आपकी एम्बुलेंस। ये क्या कह रही हैं आप, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने तो तुम्हें अपनी शर्ट उतारने को कहा हैंगर से ना। हैंगर से उठाने के लिए कहा? ओनली हैंगर। और कहीं से नहीं? तुम्हारी शर्ट पहनकर डायलॉग रिहर्स करूंगी ना, तो एक नया कॉन्फिडेंस जागेगा, पॉजिटिव फीलिंग आएगी, यू नो। शॉट लेकर आओ बेबी। आउच, मैं चेंज करके आती हूँ। ये जो आपकी सो कॉल्ड मेहमान है ना, मुझे नहीं लगता कि शौर्य जीजी को एक मिनट के लिए भी अकेला छोड़ने वाली है। देखो कैसे देख रहे उसे। भगवान, मुझे पटाखों, मेरे पास एक आइडिया है। अब हमारे घर उजड़ने की बात बताएगी क्या? बताती हूँ, बाहर चलो। ओए माँ, यू नो इस यूनिफॉर्म की सबसे खास बात क्या है? मेरे शेरू बेबी का नाम मेरे दिल के एकदम पास है। शौर्य जी। हाँ तनु जी। चलिए ना शॉपिंग करने। अभी कैसे, अभी डी आई हुई है ना घर में, आया हुआ मेहमान भगवान, यू नो। शेरू बेबी और मैं एक सीन की रिहर्सल कर रहे हैं, तो हम दोनों अभी बिजी हैं। रेडी फॉर द डायलॉग? रेडी रेडी। एक सेकंड।
रेडी रेडी रेडी। तो सीन ये है कि मैं अंडरवर्ल्ड माफिया रोमियो को अरेस्ट करने जा रही हूँ। ओके, सो डायलॉग ध्यान से सुनना। रोमियो, बहुत भाग लिया तू, लेकिन अब नहीं। ये क्या कर दिया आपने? सॉरी बेबी, वो ना एक्टिंग करते करते ना मैं जसपाती हो गई। अरे जो हुआ अच्छा हुआ ना। थोड़ी देर सही, लेकिन हम दोनों पास पास होंगे। डी, थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत देर के लिए, क्योंकि इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। क्या? ओए माँ, खो गई। रोमांटिक। रोमांटिक? चुप करेगी? हम तुम एक हथकड़ी में बंद हो और चाबी खो जाए। लगेगी तुझे मेरी बद्दुआ, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए। ओ स्वीट गॉड, वाओ, आप लोग शेरो शायरी कर रहे हो? मैं भी करूंगी। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुत मस्तानी कब आएगी तू? इतनी छाई जिंदगानी कब आएगी तू? चलिया 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 आसे। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। तो किस बात की है लड़ाई? वाह, नो लड़ाई। तू चल, मैं आई। गए शौर्य भैया। चुप कर मनु, मैं लाइंस करा के आता हूँ। जाओ जाओ। ओके। कर भैया भी गए। तनु, हम कह रहे हैं हाँ। वो हथकड़ी हमें खोलनी होगी। यस। किसी भी हाल में खोलनी होगी। यस। समझी? यस। तनु जी। शेरू बेबी, रोको इसे। अगर हथौड़ा हथकड़ी की बजाय मेरे हाथ पे लग गया तो? ओ स्वीट गॉड, क्या हुआ? मैं भी आती हूँ। क्या कर रही है ये? मनु, क्या कर रही है? क्या कर रही है? लोहा गरम है, मार दो हथौड़ा। पीछे जा, चल पीछे जा। इधर आ, आ जा। भाभी को करने दे अपना काम। भाभी, डोंट वेट, कंटिन्यू कंटिन्यू। धनु जी, संभाल के भाभी, संभाल के। क्यों ना हम इन दोनों के हाथ काट दें? क्या? मनु, क्यों ना हम लोग आरी से इनकी हथकड़ी काट दें? हाय हाय मनु, हाय हाय, जा आरी लेके आ। मनु, धीरे। रिलैक्स भैया, अगर आरी से मेरे आर्म्स कट गए तो भी थारी किस्मत खराब होगी। शट अप प्लीज। जीजा, देर तक कह रही है वो। डीएन, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे प्यारे से भाई जैसे फते को इतनी जोर से थप्पड़ मारने की? चलिए वो बोलिए। वो डीएन, सॉरी बोलिए। सॉरी खुल गई। बहुत बढ़िया। मनु, क्या खुल गई? आरी। अच्छा हुआ खुल गई। अब क्या, शेरू और मैं साथ साथ रहेंगे। ओ स्वीट गॉड, भाभी साथ साथ तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट रात? नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। फते मामा, मार्केट में जोगिंदर भैया बैठते हैं ना, हाँ? जो डुप्लीकेट की बनाते हैं, हाँ? आप उन्हें बुला लीजिए। मुझे इस हालत में किसी ने देख लिया ना तो दोनों की बदनामी हो जाएगी। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। बाय बाय।
रूम में जाकर रेस्ट करूंगी। ये सब कंफ्यूजन में अपना रेस्ट टाइम ही भूल गई। नहीं, कुछ आइडिया सोच बहन, कुछ आइडिया सोच। एक आइडिया है मेरे पास। क्या मनु, तू अपनी बकबक से मेरा मतलब है तू अपनी स्वीट टॉक से ना डी का ध्यान बटा देना, तब तक भाभी जाके हथकड़ी तोड़ देगी। ओके, सीधा सीधा बोले ना, पका मोड ऑन करना है। हाँ हाँ, वही ऑन करना है। जाओ जाओ जल्दी जी। अभी अभी तुमने कहा ना कि तुम्हें रूम में जाना है, तो मैंने सोचा तुम्हें शिक्षा दे दूं। देखो, ये जो रूम्स होते हैं ना, ये कई टाइप्स के होते हैं, जैसे बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टोर रूम, ब्राइड रूम। ब्राइड रूम? या, उसमें भी तो रूम होता है ना। और मैं आपको बताती हूँ, चलो। नाम है पिंकी, इंस्पेक्टर पिंकी पोंकी। वाओ, नाइस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। और तब कुछ इंटरनेशनल टेररिस्ट पिंकी के पापा को मर्डर कर देते हैं। हाँ, हम समझ गए, अब पिंकी के उसमें उसकी वो जल रही है ना। चूल्हे में गोबर गैस की आग है ना। नहीं भत्ते, दिल में बदले की ज्वाला जल रही है। एग्जैक्टली, लेकिन पिंकी बदला नहीं ले सकती क्योंकि उसकी दो भाभियां हैं। स्टूपिड एंड डफर। ये स्टोरी खुद ही बना रही है मुझे लगता है। ओ स्वीट गॉड, मुझे पटाको, मुझे लग रहा है कि आप दोनों और डी की फिल्म की स्टोरी की भाभियां ना बिल्कुल सेम टू सेम है। और फिर इंस्पेक्टर पिंकी को पता चलता है कि कोई अपना ही इन्वॉल्व्ड है उसके पापा के मर्डर में। Oh, right. कोई कत्तार एजेंट। उसके बाद स्टोरी ही नहीं बन रही है। अच्छा हुआ। ओ स्वीट गॉड, आइडिया। अगर वो दोनों स्टूपिड और डफर भाभियां ही वो गद्दार एजेंट हो तो, और आप अंडरकवर एजेंट्स बनके अगर उन दो गद्दारों से बदला लो तो। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया मनु। ब्रिलियंट आइडिया, आई लव योर आइडिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई एम श्योर इस फिल्म से मुझे ऑस्कर मिलेगा। अब तू ना मेरी सेक्रेटरी बन जाना। हाँ, जहाँ मैं जाऊंगी वहां तू मेरे साथ चलेगी। अनु अनु अनु, चलो डायरेक्टर के पास चलते हैं, स्टोरी बताते हैं। हाँ, ओके, चले, चलो। टिकेट डी, बाय। ओफो, कब आएंगे डी और मनु? बहुत भूख लग रही है। हाँ डी, अगर आपको भूख लग रही है तो आप खाना शुरू करिए ना। डी के बिना? मेरा मतलब दीपिका जी आ जाए तो अच्छा रहेगा ना। मने बेरा से जीजा, तू ना घना चालू से। डियर, मच्छर है। मनु का आइडिया डायरेक्टर को बहुत पसंद आया। रियली? अब बस एक प्रॉब्लम है, ऐसे तो एक्टर्स कहां से लाऊं जो
क्यूट भी लगते हैं और एजेंट बनकर रफ और टफ भी हो। ऐसी तो भाभियां कहाँ मिलेंगी? मिलेंगी ना। मेरी ये दो भाभियां, इन्हें कास्ट कर लो। शट अप मनु। ये दो? हाँ। एजेंट्स? या? इनके चेहरे देख ऐसे लगता है इन्होंने कभी किसी को पंच किया या फिर किक किया या कराटे चॉप दिया किसी को। एजेंट्स को ना स्ट्रॉन्ग स्मैशिंग होना चाहिए। ये वो क्वालिटी इनमें है क्या? ये ना सिर्फ मुझे पटाके है और गलती से भी ना अगर इन लोग ने वो एजेंट वाले कपड़े पहन लिए दिल लुक सो फनी। एजेंट लुक तो अब दुनिया मेरा देखेगी। हॉट एंड हैपनिंग। ओ स्वीट गॉड भाभी, आई अंडरस्टैंड कि आप अपसेट हैं, पर अपना गुस्सा इस डब्बे पर और आप अपना गुस्सा इस कढ़ाई पे क्यों निकाल रहे हो? वैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि डी ने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। लुक एट योरसेल्फ, कहाँ डी और कहाँ आप लोग। काश मेरी भाभी अभी डी और मेरी तरफ हॉट एंड हैपनिंग होती, कितना मजा आता। तुझे क्या लगता है हम दोनों हॉट नहीं है? तुझे क्या लगता है हम दोनों हैपनिंग नहीं है? नहीं। भाभी अच्छा है नहीं है दोनों? हाँ, क्योंकि सच्चे एजेंट होने का काम हॉट एंड हैपनिंग होना नहीं होता, देश की रक्षा करना उसका काम होता है, समझी? नहीं दोनों। क्या हुआ? तुमने देखा था वो डी कैसे बात कर रही थी? हाँ। कभी किसी के साथ फाइट की है? हाँ? कभी किसी को किक मारा है? कभी किसी को पंच मारा है? उसके मुंह पे मुक्का मार दूं मैं? लगता है अब उसे दिखाना ही होगा कि असली एजेंट्स कैसे होते हैं। आज इसे हम अपना असली रूप दिखाएंगे, देखना। मतलब आज रात हम डी को दिखाएंगे एजेंट्स होने का असली रूप। आप बिना हंसे बता हंस क्यों रही है? वो मैं इसलिए हंस रही थी कि अगर उन्होंने आपका एजेंट वाला रूप देख लिया तो वो आपको पहचान जाएंगी और फिर सबको बता देगी कि आप अंडरकवर एजेंट्स हो। वो किसी को कुछ नहीं बता पाएगी। आज रात हम उसे ऐसे मुक्के मारेंगे, ऐसे किक्स मारेंगे कि वो किसी और को तो क्या, खुद को भी कुछ नहीं बता पाएगी। क्या बोलती हो भाभी? पार्टनर, अब बोल दिया है तो देख लेंगे। ओह स्वीट गॉड, फिल्मी डायलॉग है ना? मनु निकल ले, नॉट अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है फिर, आज रात 2 बजे। डन पार्टनर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.